जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत आपका आज के मुख्य समाचारों के ताजा व फ्रेश वीडियो में। जी हां दोस्तों, आइए बात करते हैं। इससे पहले दोस्तों, आप हमारे इस ELS न्यूज पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे लाल बटन दिया है उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दिया है उसको भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं। जी हां दोस्तों, बंगाल चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने बनाई यह रणनीति, हर सीट पर नजर रखेगी उसकी खास टीम। जी हां दोस्तों, यूं तो बंगाल 2021 में विधानसभा चुनाव होने वाले, लेकिन बीजेपी पूरे जोर शोर से अभी से चुनाव की जीतने की तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी ने इस बार सुबह में केसरिया झंडा लहराने के लिए मिशन बंगाल तैयार किया गया है। वहीं दोस्तों, पार्टी का मानना है कि ममता बनर्जी 10 साल के शासन में इस बार वह शासन बदल लेंगे। लोकसभा चुनाव में नतीजों के साफ कर दिया गया कि राज्य में कड़ी ताकत कर रहे लेफ्ट कांग्रेस का वजूद अब समाप्त हो गया है। बीजेपी नई मुख्य विपक्षी ताकत बन गई है। वहीं दोस्तों, बीजेपी ने राज्य की सभी 294 सीटों पर विशेष तैयारी शुरू कर दी है। पिछले दिनों में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राज्य के पार्टी नेताओं के साथ ही बैठक की, जिसके बाद फैसला लिया गया कि राज्य की हर सीट पर 4 लोगों की नई टीम बनाई जाएगी, जिसे सांसद विधायक और स्थानीय संगठन के नेता शामिल होंगे। खास बात यह है कि जिस नेता के यह सीट में शामिल किया जाएगा उसका वहाँ से कोई लेना देना नहीं होगा। वैसे अगर कोई नेता हावड़ा सीट पर प्रवाह करता है तो उसे दार्जिलिंग की सीट के लिए बनी टीम में रखा जाएगा। इसलिए किया जा रहा है कि टीम में शामिल नेता पूरे विपक्ष तरीके से अपनी रिपोर्ट तैयार कर सके, अपनी सीटों की सभी छोटी छोटी जानकारी इकट्ठा कर रिपोर्ट तैयार करना इस टीम की जिम्मेदारी होगी। वही ममता बनर्जी के विपक्ष में बीजेपी ने अपनी टीमों का काम शुरू कर दिया गया है। 15 दिन तक अपने क्षेत्र में रहकर सीट का प्रोफाइल तैयार करेंगे, जिसमें उस सीट जातिगत समीकरणों प्रभाव नेताओं की पहचान, वहां बीजेपी का वर्तमान स्थिति, अगर स्थिति कमजोर है तो उसके लिए कारण, इस रिपोर्ट में तैयार होने के बाद नंबर के पहले हफ्ते में फिर से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ इसकी बैठक होगी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना, यूपी बिहार को पीछे छोड़कर नंबर 1 हुआ हरियाणा। जी हां दोस्तों, छोटे कारोबारियों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए मोदी सरकार ने किसानों को प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना शुरू की है, जिसके तहत व्यापारियों को उसके बुढ़ापे में पेंशन दी जाएगी। वहीं बृहस्पतिवार को झारखंड की राजधानी रांची में पीएम नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत की है, लेकिन इसमें यह वर्ग दिलचस्पी नहीं रखता है जैसी किसानों को दिखाई है। केंद्र सरकार ने सूत्रों के मुताबिक अब तक सिर्फ 1,187 व्यापारियों को इस पेंशन की स्कीम का अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इससे भी 353 आवेदकों को हरियाणा नंबर 1 है, जबकि यह छोटा सा स्टेट है। वहीं दोस्तों, यह योजना 18 से 40 वर्ष की उम्र के व्यापारियों के लिए है, जिससे उन्हें 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद हर माह 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। यह स्कीम ऐसे व्यापारियों के लिए है जिसकी वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए है और इससे कम हो, कर देने वाले व्यापार को इसका लाभ नहीं मिलेगा। और भी अन्य व्यापारी अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए 55 रूपए प्रति माह प्रीमियम होगा। प्रीमियम की रकम उम्र के साथ 200 रूपए महीने तक होगी। व्यापारी जितना प्रीमियम केंद्र सरकार उतना ही देगी। स्कीम लाभ लेने के लिए व्यापारी को आधार कार्ड देना होगा। वही लगभग 20 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 79 व्यापारियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, महाराष्ट्र में सिर्फ 68 और बिहार में 89 लोगों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है, और 11 राज्यों में एक भी व्यापारी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। दिल्ली में सिर्फ 11 लोगों ने आवेदन किया है, लेकिन झारखंड में अच्छी संख्या है। यहीं पर योजना की शुरुआत हुई है। 26 से 35 वर्ष की उम्र में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, ऑटो सेक्टर को मिल सकती है राहत, BS और IV गाड़ियों पर कट सकती है GST। जी हां दोस्तों, गुड सर्विस टैक्स काउंसिलिंग की 20 सितंबर को गोवा में होने वाली बैठक में ऑटो सेक्टर ने राहत देने के लिए GST कटौती का फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक GST काउंसिलिंग की बैठक सिर्फ BS और IV गाड़ियों पर GST रेट कटौती कर सकती है। वहीं BS और IV गाड़ियों पर GST 28% घटाकर 18% कर सकती है। दरअसल सरकार के सामने सुविधा यह है कि ऑटो सेक्टर को राहत देने के लिए GST कटौती की जाए। अगर सारे सेगमेंट कटौती की जाती है तो सालाना 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। वहीं सरकार यह भी चाहती है कि राजस्व का नुकसान भी न हो, और इसके लिए सरकार बीच का रास्ता अपनाना चाहती है। बीच का रास्ता यह हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ BS और IV गाड़ियों पर GST की दरें घटाई जाए। BS और IV गाड़ियों पर GST की दरें घटाकर 18% कर दी जाए। इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया में FD कराने वाले के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, 10 दिन में 2 बार बदल गए हैं FD रेट्स। जी हां दोस्तों, सरकारी बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपने फिक्स डिपॉजिट कराए हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया ने FD की दरों में बदलाव किया है। बैंक ऑफ इंडिया ने सितंबर महीने में अपनी FD की ब्याज दरों में दूसरी बार घटाया है। बैंक ने 2 करोड़ रुपए तक के FD रेट पर ब्याज दर घटा दिया है। नई दरें 10 सितंबर से लागू हो गई है, जिससे पहले 10 दिनों में यह दूसरा मौका है जब बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट में कटौती की है, जिससे पहले 1 सितंबर में बैंक ने टर्म डिपॉजिट ब्याज की दरों को घटा दिया गया था। तो दोस्तों, हुई ना आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। तो दोस्तों, आपसे एक ये रिक्वेस्ट है कि आप अभी कौन सा बैंक अकाउंट यूज करते हैं, यानी कि आपका कौन से बैंक में आपका खाता है, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये जरूरी अपडेट आप सभी को जानने को मिली होंगी। वहीं दोस्तों, आप ELS न्यूज पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दिया है उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दिया उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू।